इस तरह के कई सेशंस करने के बाद मेरा जोश और कॉन्फिडेंस वहाँ पर आ चुका है कि मैं बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कह सकूँ कि कैमरामैन धीरज और परम सहयोगी रोहित के साथ मैं अरजे अरमान लेमन 91.9 FM के एक बहुत ही अलग सेटअप में। डियर फ्रेंड्स, आपको याद होगी मिशन कश्मीर की प्रीति जिंटा, बड़ी प्यारी सी प्रीति जिंटा, जो कि वो गाना गाती है कि सोचो कि झीलों का शहर हो, लहरों पे अपना एक घर हो। तो देखिए, ग्वालियर शहर में रहकर ये तो मुमकिन नहीं है कि हम इसे झीलों का शहर बना दें, बट बाकी सारा जो तसव्वुर वो कर रही है प्रीति जिंटा, घर ऐसा हो और वैसा हो और बहुत ही प्यारा हो, ऐसे घर लेकर आए हैं सुंदरम डेवलपर्स। और सुंदरम डेवलपर्स से इंजीनियर अर्पण कौर जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रॉपर्टी और ऑटोमोबाइल फेयर 2021। रहमान जी नमस्कार। मेरा नाम अरमान है। अरमान जी बहुत बहुत नमस्कार आपका। अरमान जी, बताएं हमको सुंदरम डेवलपर्स की जो मैंने तारीफ की है वो हमारी पिछली बातचीत पर आधारित है, बट जनता को बताएं कि किस तरह मेरी बातचीत जो मैंने कही सुंदरम डेवलपर्स के बारे में वो एकदम सही है। सर देखिए, सुंदरम डेवलपर्स जो हमारे बिल्डर महोदय हैं, उनका एक विज़न था कि ग्वालियर एक रॉयल सिटी है। हमारे ग्वालियर के जो संस्कृति और सभ्यता की व्यवस्था की देखा जाए तो ग्वालियर में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर एक्टिविटीज़ रही हैं, कल्चर स्ट्रक्चर्स रहे हैं, आर्किटेक्ट में, वास्तुविद में बड़ा बेहतरीन योगदान। तो हमारे सुंदरम ग्रुप जो है उसने इटैलिक आर्किटेक्ट पर डिज़ाइन करके प्रॉपरली स्मार्ट सिटी को स्मार्ट बनाने के लिए एक बेहद बेहतरीन, आज से आने वाले 20 साल बाद का आधुनिकरण करके एक प्रोजेक्ट डेवलप किया है, जो कि शहर के मिड पॉश एरिया में है, सिटी सेंटर में, अलकापुरी स्क्वायर के पास सुंदरम डेवलपर का सुंदरम ग्रीन मॉल आ रहा है। वो ग्रेट। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ शायद आपको ग्वालियर में वो टेस्ट मिलेगा जो मध्य प्रदेश की किसी भी फिट सिटी में नहीं है। चाहे आप इंदौर जाएँ या जबलपुर जाएँ या भोपाल जाएँ, लेकिन ग्वालियर में आपको डिफरेंट मिलेगा। यहाँ हम लोग G+5 के साथ कॉमर्शियल मॉल डेवलप कर रहे हैं और हमारे पास यहाँ एंटरटेनमेंट जोन सेपरेट है और रियल इस्टेट में एक ऐसी टाउनशिप देने जा रहे हैं हम लोग जहाँ 320 फ्लैट्स हैं हमारे पास, और जो एक हाईली ऑटोमेटेड स्ट्रक्चर के जो बेसिक है सबको फुलफिल कर रहे हैं। और कमिटमेंट के मामले में सुंदरम डेवलपर का सर कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि हम अपने क्लाइंट को एक बहुत कम कॉस्ट में एक बेहतर प्रॉपर्टी सजेस्ट कर रहे हैं। परमिशंस TNPC, नगर निगम, रेरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें रेरा क्या है? सर, रेरा 2016 में भारत सरकार द्वारा एक ऐसी इकाई की स्थापना की गई जो निवेशकों के हित की ओर आकर्षित करती है। रेरा बेसिकली सर क्या है कि रूल्स एंड डेवलपमेंट, जो रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट है, जो मध्य प्रदेश सरकार में जितने भी बिल्डर्स हैं उनको निवेशक के हित को सुरक्षित रखने के लिए जिस इकाई की स्थापना की गई, ताकि आगे जो निवेशक है उसका जो निवेश है वो सुरक्षित रहे। तो इसको लेके भी सरकार का भी प्रयास है। दूसरा, प्रधानमंत्री की जो आवास योजना है उससे हमारे यहाँ हम लोग जो भी अपने प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी लेता है उसको एक कम बजट में हम लोग 42,75,000 से शुरू कर रहे हैं, और यदि सर कंपेरेबिलिटी की जाए तो आज देखा जाए तो हमारा जो कॉस्ट है बड़ा ही इफेक्टेड है, हाईली ऑटोमेटेड है, 24/7 सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। इसके अलावा आप देखे जाए कि नेटवर्क का कोई इशू नहीं है हमारे यहाँ, क्लाउड ओरिएंटेड हमारे यहाँ एसेसरीज हैं, और मतलब मेरे पास शब्द नहीं है सर, प्रोजेक्ट इतना शानदार है। कम शब्दों में यूँ कहा जा सकता है कि आज की ज़रूरत के हिसाब से तो है, लेकिन जिस तरह से ज़माना बदल रहा है 2035 में भी यस 2035 में सर मैं बोल सकता हूँ 2050 तक का टारगेट लेके चाह बात, मतलब एक ऐसा डिज़ाइन है हमारे बिल्डर की जो सोच है, क्वालिटी में समझौता नहीं है। हम लोग क्लाइंट के साथ ये नहीं कि आपको हम 42,75,000 रुपये में जो प्रोडक्ट दे रहे हैं आप कंपेरेबिलिटी कर लें, क्योंकि हमारे बिल्डर का एक सपना है कि घर सबके पास एक अपना हो, लेकिन वो घर ऐसा हो, एक घर ऐसा हो कि जिसका कोई सानी ना हो, कोई मुकाबला ना हो, सारी फैसिलिटीज हैं। एक तो ये सपना बहुत इम्पोर्टेंट है, ये नीयत बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे रेरा वाली बात मतलब मैं शायद पहला स्टॉल होगा जो ये बात निवेश की सुरक्षा के बारे में लोग इतने सजग हैं और ऐसा ड्रीम है कि हर किसी का अपना घर हो। हमको एक बात और बताएं कि मैंने जैसे घरों की बात कही कि प्यारे घर हैं, मॉल
किन मायनों में अलग होगा, और जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर एक एक्सपीरियंस होता है, जैसे नोएडा के मॉल्स हैं या फिर गुड़गांव के मॉल्स हैं या फिर पुणे महाराष्ट्र निकल जाएं, तो एक एक्सपीरियंस होता है मॉल विज़िट करना, किस तरह से सुंदरम ग्रीन के मॉल अलग होंगे? सर, सुंदरम ग्रीन के जो मॉल हैं, यहाँ पर एक कैटेगरी डिवाइड की गई है। फूड जोन सेपरेट है, एंटरटेनमेंट जोन सेपरेट है, इसके अलावा बैक में हमारे रेजिडेंशियल टाउनशिप भी है, वहाँ का भी एंट्री आगे से भी है, देन पीछे से भी है। तो हमने अपने अपने जो हमारे रेजिडेंशियल हैं, जो हमारी टाउनशिप से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए हमने सेपरेशन रखा है। इसके अलावा हमारे यहाँ हाईली ऑटोमेटेड सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी का मैन इशू नहीं रहेगा। और हमारा अभी जो आगे जो बातचीत चल रही है हमारे बिल्डर्स की, जितने भी एक इंटरनेशनल ब्रांड में हमारे यहाँ उनको स्थान मिलेगा। ये बड़े सोने पे सुहागा वाली बात है कि जिसमें हाईली ऑटोमेटेड एक सीक्वेंस से सारे काम हो रहे हैं और ऑन डिमांड अवेलेबल रहेगा। सर, ऑन डिमांड अवेलेबल रहेगा, तो जो आज की सबसे बड़ी नीड है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मीनिंग ये है कि हमारे यहाँ आगे का प्लान ये है कि एज पर रिक्वायर आपको जो भी प्लेटफॉर्म की नीड होगी वो हम प्रोवाइड करेंगे। सर, हमको ये भी बताएं कि इस प्रॉपर्टी एंड ऑटोमोबाइल फेयर 2021 के परे अगर जनता आपसे संपर्क करना चाहे तो आपका हेड ऑफिस कहाँ है और कोई नंबर अगर प्रोवाइड करा सके? सर, हमारा हेड ऑफिस है, जो हमारा सुंदर ग्रीन प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा है, यहाँ पर हमारा हेड ऑफिस है, वहीं आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8959790100 एंड मेल आईडी है ccomputing05@gmail.com। फ्री फील आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं हमारे रिसेप्शनिस्ट में, जो भी आपको रहेगा प्रॉपर एंटरटेन करेगा। आप 99 एकर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग का वहाँ भी है, और बहुत जल्द हमारा साइट भी आप विज़िट कर सकते हैं। हमारा साइट के अलावा ऑफिस एड्रेस है, और सुंदरम डेवलपर्स का हमारा यहाँ पर भी सुंदरम रिजॉर्ट्स भी है। मतलब हमारे एग्जीक्यूटिव्स तो सर ऑल ओवर ग्वालियर को कवर कर रहे हैं, और ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी क्लाइंट संपर्क करना चाहता है। तो हमारे यहाँ सबसे अच्छी फैसिलिटी सर ये, यदि कोई इंटरेस्टेड पर्सन है वो यदि कॉन्टैक्ट करता है और आने में असमर्थ है, तो हम अपने यहाँ से व्हीकल प्रोवाइड भी करते हैं। क्योंकि ऐसे कल का ही वाक्य है सर कि एक बुज़ुर्ग अंकल आंटी थे, तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि आपके प्रोजेक्ट की बड़ी तारीफ है कि आपके जस्ट लगा हुआ एक एनजी ग्रांट करके काफ़ी बड़ी इमारत है जी, तो उसका उन्होंने विज़िट किया होगा अराउंड बिफोर 2 मंथ। तो उन्होंने कहा कि उनके बजट में आपके बजट में तो काफ़ी डिफेंस है, तो क्या क्वालिटी आपकी इनसे हल्की रहेगी? तो मैंने कहा माता जी आपने ऐसा प्रश्न क्यों कहा जी। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर मैंने विज़िट किया, उनकी एमिनिटीज़ भी चेकआउट की, उनके ऐसा कोई फैसिलिटीज़ नहीं है जो आप लोग क्लब हाउस दे रहे हैं, जिमनेजियम दे रहे हैं, सेपरेट एंटरटेनमेंट जोन दे रहे हैं, और भी आपकी जो स्ट्रक्चर क्वालिटी इटैलिक लुक दे आप लोग दे रहे हैं, और सिक्योरिटी पर्पज़ से भी आपका काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, बट आप इतना कॉस्ट इफेक्टिव क्यों कर रहे हैं? तो मैंने उनको फ़ोन पर बात करके कहा माता जी मैं आपके पास ही आया, मैं अपनी यूनिट की गाड़ी उठाई और मैं सीधा माता जी के घर पहुँचा, उनको ला के अपना प्रोजेक्ट विज़िट कराया, और विज़िट कराने के बाद उनको सेटिस्फाइड किया कि हम जिस भी क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो हमारी पॉलिसी में है कि जो भी मटेरियल हम यूज़ करेंगे वो ऑन एग्रीमेंट उसको बताएंगे। आप कभी भी आ सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी है, भले ही आपने एक फ्लैट बुक किया है, आप कभी भी आके वेरीफाई कर सकते हैं एक्सपर्ट के साथ कि जो रेनफॉर कंक्रीट सीमेंट है, जो भी रेशियो ऑफ मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं अपनी बिल्डिंग में, कभी भी आप चेकआउट कर सकते हैं किस रेशियो का, किस आर्किटेक्ट का, या किस टाइप का मेटल मटेरियल आप यूज़ करते हैं, किस टाइप का इसका स्टोन का मटेरियल आप यूज़ करते हैं, आप कभी भी चेकआउट कर सकते हैं। और अभी हाल ही में हम लोगों ने 100 टॉप प्रीमियम कस्टमर्स के लिए एक सर ऑफ़र भी रखा हुआ है कि जो भी टॉप 100 हमारी बुकिंग हैं उन बुकिंग के लिए हम सेमी फर्निश्ड फर्नीचर भी प्रोवाइड करा रहे हैं किचन में। इसके अलावा जो जनरल फ्रिज है, एसी है, और एक्वा गार्ड है, आपका गीज़र है, इसके अलावा टीवी फैक्ट है, ये सब ब्रांडेड कंपनी का हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। सर, हमारी सोच है बेहतर से बेहतर लोगों को ईजी गोइंग देने की, और पेमेंट की कंडीशंस भी हमारे यहाँ बड़ी आसान है। आप जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 10% अमाउंट से आप एक बार अपना एनरोल कर लें, देन सिस्टमेटिक वे में एज पर इधर डेवलप होता जाता है और आप पेमेंट करते हैं। तो हमारा उद्देश्य है सर कि सबका घर अपना हो,
जो एक बहुत बड़ा सपना होता है हर परिवार का कि हमारा घर अपना हो और एक ऐसे लोकेशन पर हो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर एक छोटी सी बात है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रहता है एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, लेकिन रियल इस्टेट की मैं बात करता हूँ तो सर एक ही चीज़ प्रेफरेंस देती है, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। तो लोकेशन का सर बहुत बड़ा महत्व है और हमारा जो यूनिट है सुंदरम मॉल ये शहर की प्राइम लोकेशन है और इसके आगे मैं ज़्यादा कहूँ तो वो अतिशयोक्ति होगी अपने प्रोजेक्ट के विषय में, बिकॉज मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मतलब मैं अपने प्रोजेक्ट के विषय में तो बेटर बताऊँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक बार आप विजिट करें प्रोजेक्ट को और समझें और इसके आगे मैं शब्द नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन इतना है कि यदि आप विजिट करेंगे तो आपको एक मतलब एक हमको सजेशन मिल सकती है आपसे, हमें अपने प्रोजेक्ट में आपसे एक सजेशन मिल सकती है और आपकी सजेशन हमारे एडवाइजरी बोर्ड में प्रथम पंक्ति में रहेगी। तो दोस्तों आपने जाना कि सीइंग इज बिलीविंग, बड़ा ही ट्रांसपेरेंट माहौल है सुंदरम ग्रीन्स के हर प्रोजेक्ट में, हाईली ऑटोमेटेड तो है ही बट आपका निवेश जो है, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो एकदम सेफ रहे, ट्रांसपेरेंट होकर काम करे और जो कुछ आपने कीमत दी है उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ आप वापस भी पाएँ, इसकी नियत है सुंदरम ग्रीन्स की। इंजीनियर अर्पण गौर जी हमारे साथ थे, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार नमस्कार।